नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, आज मैं फिर एक बार रोहिणी सेक्टर 13 के हूँ और यहाँ पर पहुँचने का सिर्फ ये दूसरी बार जो हमारा कारण है वो है चोरी। जी हाँ, दिल्ली शहर एक ऐसा शहर हो चुका है जहाँ पर हादसों का शहर कह सकते हैं, क्राइम का शहर कह सकते हैं और लगातार यहाँ पर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। एक महीने के अंदर कम से कम 16 मंदिरों के अंदर में चोरी की वारदात, ये शायद मेरे नॉलेज के अंदर पहली बार आई है कि दिल्ली के अंदर में एक ही अपार्टमेंट के अंदर में और लगातार उसके साथ वाले अपार्टमेंट में, फिर उसके साथ वाले अपार्टमेंट में, यहाँ तक कि पुलिस की नाक के नीचे से चोरी हो जाती है और पुलिस को खबर तक नहीं होती। जो यहाँ पे सोसाइटी के प्रधान है, हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया और इसके बारे में पुलिस अभी तक कार्रवाई क्या कर चुकी है और आगे क्या कर रही है, क्या प्रोसेस है, पुलिस का जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में मित्तल जी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका वीएस न्यूज के अंदर में। सर, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि यहाँ पे मंदिर में ये कब की घटना है और पुलिस इसके ऊपर में क्या क्या कार्रवाई कर रही है। ये घटना 16 तारीख को सुबह जब हमें 6 बजे पता लगा मंदिर में, जब हमारे मंदिर पंडित जी आए, उन्होंने बताया तो देखा गया यहाँ ताले टूटे हुए हैं, ऊपर छत के गुंबद टूटे हुए हैं, धर्मशाला का ताला टूटा हुआ है। हमने तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस वाले 1 घंटे में आए। उन्होंने देखा यहाँ पे सब कुछ गायब है, हमारे गल्ले 3 गल्ले थे उसमें जो धनराशि थी वो सब गायब है। कम से कम धनराशि जो अनुमान लगाया जा रहा है कितना होगा? धनराशि का हम ज़्यादा अनुमान तो वैसे बता नहीं सकते, 12-15 हज़ार रुपये हम उम्मीद करते हैं कि उनमें गल्लों में होंगे, क्योंकि अभी हमने 2 महीने पहले गल्ले खोले थे जी। लेकिन 12-15 हज़ार रुपये औसत हमारे उसमें होंगे। दूसरे भवनों में जो हमारी माताएं हैं उनको नथ बना रखी थी सोने की, वो नथ गायब है 2। अच्छा, बाकी अभी पंडित जी अपनी अलमारियां चेक कर रहे हैं, सारी अलमारियां खिली हुई। टोटल मिलाकर के मतलब अगर देखा जाए तो अनुमान में कितना हो सकता है? अनुमान अभी तो लगाया जा रहा है, अभी तो हमारे ऊपर छत पे भी गए हैं, छत पे हमारे गुंबद हैं, गुंबद के ऊपर कलश लगे हुए थे। अब कलश कितने किलो के हैं, कितना वजन है, ये अंदाजा लगाना अभी इतना जल्दी संभव है नहीं जी। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। हमारी दिल्ली पुलिस, हमारे क्षेत्र की पुलिस कर क्या रही है? थाने के सामने मंदिर होने के बाद हम अगर इस तरह यहाँ डरे हुए रहेंगे जी, फिर फायदा क्या है? यहाँ रोहिणी क्षेत्र में 15-16 मंदिरों में लगातार चोरी हो चुकी, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन अपने आंखें बंद करे बैठा है। उसका एक काम है, एक मजबूरी है, FIR लिखना जी, उसे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद अपने घर बैठ जाओ, वो अपने घर बैठे हैं, नुकसान 1 रुपए का हो 100 रुपए का हो, नुकसान है। अभी तक पूर्व अपार्टमेंट का हो गया और अग्रोहा का हो गया, क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी से काम किया? नहीं, पुलिस प्रशासन को जरूरत क्या है, वो तो हमसे मांगती है, क्लू बताओ, हमें फुटेज दो। अच्छा, हमसे कार्रवाई मांगती है। फुटेज के लिए क्या CCTV कैमरे यहाँ पे उपलब्ध थे? नहीं, फुटेज कैमरे तो हमारे CCTV लगे हुए हैं लेकिन अभी वर्किंग में नहीं थे, कुछ मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। मतलब यहाँ पे कोई भी CCTV ऐसा कैमरा नहीं लगा हुआ था? CCTV कैमरे के बारे में पूछने पर जब पुलिस ने आपसे पूछा तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया था? जब हमारे यहाँ वर्किंग में है नहीं तो हम लड़ाई करेंगे जी। लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ CCTV है या नहीं है? जब रोहिणी में इतनी वारदात हो चुकी, 14-15 मंदिरों में लगातार चोरियां हो रही है, तो क्या CCTV जिनके यहाँ लगे हुए, अग्रोहा मंदिर में CCTV लगा हुआ था, उसका तार काट दिया गया, एक फुटेज उनको दी भी गई, क्या कार्रवाई हुई जी? CCTV हल नहीं है जी। फुटेज मैं आप लोगों को एक बारी बता देता हूं कि पुलिस का काम जो है वो यहाँ पर शिनाख्त करना था कि किस तरीके से आखिर में यहाँ पे चोरी करी गई। और एक मंदिर नहीं, अगर एक मंदिर होती तो हमें समझ में आता है, 15 से 16 मंदिरों के अंदर में लगातार यहाँ पर चोरी हुई है। टारगेट बनाया गया है मंदिरों को, आने वाला जो कल का जो दिन है वो है जन्माष्टमी का दिन, लगातार यहाँ पर प्रोसेस चलता है, यहाँ के लोग यहीं पर अपनी जन्माष्टमी का पूरा उत्सव मनाते हैं। इसको देखते हुए कहीं पर भारी भीड़ होने की वजह से और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं पैसों से होती है, काम से होती है, सामान से होती है, लगातार उनका टारगेट इसी महीने का रहा और उन्होंने इसके ऊपर में पूरा अपना जो है वो रुख डाला, उन्होंने अपनी नजर डाली मंदिरों के ऊपर में और मंदिरों को टारगेट बनाया। पुलिस इसके ऊपर में, प्रशासन जो है वो कोई काम करने को राजी नहीं है। आखिर में काम उनको करना चाहिए लेकिन वो फिर भी काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं इसके अंदर में जब पुलिस की नाक के नीचे चोरी होती है, इसी अपार्टमेंट भारत जो अपार्टमेंट है इसके बिल्कुल ठीक सामने प्रशांत बिहार का थाना है, वहां से पुलिस जो है 24 घंटे वहां पे तैनात रहती है, फिर भी उनके आंखों के सामने उनके नाक के नीचे से चोरी हो जाती है। ये बड़े दुख और बड़े सोचने वाली बात है, बड़ी गंभीरता से लेने वाली बात है कि पुलिस के नाक के नीचे से चोरी हो जाती है। क्या और पुलिस को आप क्या कहना चाहेंगे?
पुलिस से कहना क्या कल हम उनके पास हमारे आईओ जो राजकुमार जी हैं कल उनसे मिले थे तो उन्होंने यही बात है कि कह के आश्वासन दे के छोड़ दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम प्रचार प्रयास कर रहे हैं, जैसे होता है ट्रैप कर रहे हैं, जैसे कुछ भनक पड़ेगी तो हम बताएंगे जी। जब एक महीने में भनक नहीं हुई, कुछ कार्य करेंगे तो भनक लगेगी ना जी। कार्य अच्छा, यहाँ पर जो बाकी अपार्टमेंट जो बचे हुए हैं जिनकी अभी चोरी नहीं हुई है, उन लोगों को अभी से सतर्क रहना चाहिए था जिस समय पहली चोरी हुई, दूसरी हुई उस समय, लेकिन उसके बाद में भी लोग सतर्क नहीं हुए, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण क्या है? नागरिक अपनी सुरक्षा क्या करेगा? नागरिक अपने गेट पे गार्ड लगा देगा, गार्ड बैठा दिए। हम भी यहाँ रात को 12-1 बजे तक तो यहाँ हमारी पब्लिक, हमारे रेजिडेंट यहाँ जागते रहते हैं, और कितनी उम्मीद करें हम जी। हमारे साथ में एक और भाई साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि इसी अपार्टमेंट से हैं। सर आपका स्वागत है, आपका नाम क्या सर आपका? रवि। रवि जी, रवि जी क्या कहना चाहेंगे इसकी चोरी को लेकर के और ऐसी वारदात को लेकर के जो पुलिस अभी तक अपनी कार्रवाई को जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रही है? हमारे अपार्टमेंट के सामने ही थाना है जी, और यहाँ पे आगे पीछे रोज स्नैचिंग वगैरह वारदात होती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती जी। सिर्फ थाने में जाके अपनी FIR लिखाओ, रिपोर्ट कर दो, बात खत्म, उसके बाद आगे कुछ नहीं। और जो यहाँ के प्रभारी हैं, जो थाना प्रभारी हैं, SHO साहब हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दीजिए कि उनको किस तरीके से आम नागरिक की जो सुरक्षा के लिए यहाँ पर उनको तैनात किया जाता है। इस थाने के अंदर लोग तैनात हैं, यहाँ पे प्रशासन जो है वो बिल्कुल अपार्टमेंट के सामने है, लेकिन फिर भी प्रशासन इसके ऊपर में जो कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है उनको बताइए आप। पुलिस वालों की पेट्रोलिंग भरनी चाहिए, यहाँ पे रात को बिल्कुल पेट्रोलिंग नहीं होती जी। पेट्रोलिंग होगी तो ही ये सब कुछ कंट्रोल में हो सकता है जी। हमारे साथ में एक अंकल जी भी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहां पे सेक्टर 13 के अंदर में, क्या 14 के अंदर, 15 के अंदर लगातार चोरी के जो केस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कौन जिम्मेदार है? ऐसा है कि इंस्टेंट की ये सारा का सारा केस वो सॉल्व करे, वो तो इन चोरियों को जनता से छुपा के रखते हैं जी। इवन जब हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो तब हमें थाना प्रभारी जो भी यहाँ विजिट पे आए थे वो बता रहे थे इस मंदिर में भी चोरी हो गई, इसमें भी, अगर हो गई है तो आपने क्या डिसीजन लिया कि बाकी मंदिर में कैसे पहुंच रहे हैं जी। इनके बीट ऑफिसर आएंगे दूर से मोटरसाइकिल पे, वो चला देंगे जी। उसके कारण क्या, अगर कोई है 2 किलोमीटर से तब ना सतर्क हो जाओ, वो बीट है क्या? वो तो सतर्क करने के लिए वो बीट ऑफिसर के ऊपर है, जो हॉर्न बजाया जाता है वो चोरों को सतर्क करने के लिए। 1.5-2 किलोमीटर तक जिसकी आवाज आती है चोर सतर्क नहीं होंगे तो क्या होगा जी। लेकिन जिस तरीके से अभी आप जो भी अपार्टमेंट ये बने हुए, एक चीज और कहूंगा, पुलिस की अपनी एफिशिएंसी तो इतनी देख लो कि नंबर 100 से 112 हुआ है, आधी जनता को पता ही नहीं होगा कि हमको कंप्लेंट 112 नंबर पे करनी है। कम से कम अपना काम तो कर लो, हमारी सेवा तो उसी के थ्रू होनी है जी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। अभी अधिकतर 100 नंबर से जब 112 जब कॉल हुई है कि पुलिस की जब सहायता चाहिए, और लगातार ये बोला जाता है कि पुलिस सदैव आपके साथ है, लेकिन जब 100 नंबर से 112 हुई तो भी अभी तक काफी जनता को इस बारे के अंदर में पता नहीं है कि 112 नंबर कॉल पे अब कॉल करना पड़ेगा। पुलिस ने जो है इसकी जो है लोगों के बीच के अंदर में ऐसी कोई बात नहीं फैलाई कि 112 नंबर पे कॉल करना है। हमारे साथ में एक बहन जी भी जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी बात करने की। आस्था के प्रतीक जो हमारा ये मंदिर है, और लगातार यहां पर जो चोरियां हो रही हैं रोहिणी सेक्टर के अंदर, शायद मेरे जीवन के अंदर इस तरीके से अभी ये पहली बार हमें सुनने को मिल रहा है कि लगातार जो है उस महीने में चोरी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके? आम जनता इससे बहुत हर्ट होती है, भगवान से आस्था जुड़ी हुई है, उनके मंदिर में चोरी होती है तो बहुत दुख होता है जी। ऐसा नहीं करना चाहिए, पुलिस को इसकी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए जी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर है, ये मंदिर पूरा इसी तरीके से जिसके अंदर में माता की जो है नथ वगैरह जो होती है, नाक की जो होती है, जिसको नथ बोला जाता है, वो सोने की थी और वहाँ से चोरी करी। इसके ऊपर जो मंदिर का जो ऊपर गुंबद बना होता है उस तरीके से, वहाँ से जो कलश वगैरह रखा हुआ था उसकी चोरी हो जाती है। और अभी जो उसके इससे पहले जो अग्रोहा के अंदर में जो हुआ, वहाँ से मुकुट वगैरह भी गायब हो गए, और लगातार जो है वो चोरी की घटनाएं जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे सतर्क रहें, और जितने भी अभी ऐसे केस मामले जो आ रहे, बात करता हूँ पंडित जी, ये घटना कब की है? परसों रात की 16 तारीख की, 16-1 कितने बजे की घटना होगी तकरीबन? अब ये तो नहीं मालूम, रात में घटना हुई जब 9 बजे यहाँ से गए बंद करके, तो सब सामान सा, जब सुबह आए 6:15 बजे तो हमारे मंदिर की कोठी कटी थी, कुंडी जो बाहर का गेट है वो कटा हुआ था, कटी थी, और छत के कलश चले गए।
छत में जो कलश रखे हुए थे वहां से वो भी कलश चले गए मंदिर के अंदर पूरा, मतलब खिड़की उड़की सब खोल करके जो माता का श्रृंगार था देवी देवताओं को। मंदिर के अंदर में जिस तरीके से यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, क्या रात में लाइट पूरी बंद रहती है? बंद रहती है, केवल एक लाइट जलती है। एक लाइट जलती है, एक लाइट जो जलती है उसके अंदर में, और जो बाहर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हैं, जैसा कि आप लोग बताया कि आप लोगों का यहाँ पे काम चल रहा है। तो सबसे पहले आपका यहाँ से गेट से ही वो लोग, और अंदर आने का कोई और रास्ता? कोई रास्ता नहीं, कोई सिर्फ गेट है। और गेट तोड़, गेट की कुंडी को तोड़ा गया है। गेट की कुंडी को किस तरीके से तोड़ा गया होगा, कुछ बता सकते हैं? नहीं, अब ये तो क्या है, उसको कैसे तोड़ा उन्होंने, अब देखे मतलब कुछ तो पता लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो टूटेगा नहीं, वो आवाज तो हुई होगी। नहीं, अब आवाज क्या है, सब लोग रात को सो गए होंगे, आवाज के रात को कौन देखेगा। घटना तकरीबन 2:30-3 बजे की बात की होगी ये तो। हाँ, 1 बजे तक तो लोग रहते हैं पार्क में, सारे के बच्चे खेलते रहते हैं। जी, 12 बजे तक तो खेलते हैं। 12 बजे तक, यानी कि 2:30-3 बजे की बात है ये। आप लोगों को मैं दिखा दूं वो कुंडी, जो कुंडी जिस इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बारी, और आप लोग अनुमान लगाइए कि किस तरीके से जो है अब लगातार जो है वो चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कुंडी है जहाँ से यहाँ पे लगाया जाता है, ताला लगता है यहाँ पे, इसी में लगाते हैं ना आप लोग। ये देख लीजिए, ये यहाँ से आकर के ऐसे करके ये ताला लगता है यहाँ पर, लेकिन अब इसकी कुंडी बीच में से ये सिल्वर है मेरे ख्याल से, अल्मोनियम होगा मेरे ख्याल से, तो ये है पीतल में है, और ये पीतल का जो है ये इसको तोड़ दिया गया है, और यहाँ से तोड़ने के बाद जब ये ताला निकलता है तो उसके बाद ये दरवाजा खुल जाता है और मंदिर में प्रवेश कर दिया जाता है। मैं आपको वो गल्ले दिखाऊंगा जिस गल्ले के अंदर से जो पैसा जो है जो यहाँ पर रखा हुआ था वो, उसको देखिए किस तरीके से इन लोगों ने आ करके, ये देख सकते हैं आप, काफी भारी है, और ये पूरा देखो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप इसको, मतलब भारी वजन किसी चीज से मार करके इसको क्षतिग्रस्त किया गया है। ये जो लॉक जहां पे लगता है इसको तोड़ा गया है, और इसको भारी वजन के साथ में तोड़ा गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह कि जिस तरीके से इसको तोड़ा गया है, जिस तरीके से इसके ऊपर में वजन करा गया है, ये किस तरीके से किया गया कि इसकी आवाज तक पता नहीं लगी, और मंदिर ये खुला हुआ था, और मंदिर का दरवाजा पहले खुलता है फिर उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं प्रवेश करते हैं। मैं दूसरा भी गल्ला आप लोगों को दिखाता हूं, वो है प्लास्टिक का, वो है प्लास्टिक का। इस प्लास्टिक के जो दान पात्र है, ये दान पात्र को देख सकते हैं आप, इसको कैमरे को थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉक है, और ये वाला जो चीज है पूरा ये आगे से टूट चुका है, और यहाँ से इसके अंदर में जो यहाँ पे दान की जो रकम होती है उसको यहाँ से गायब कर दिया गया है, चोरी कर ली गई है। और भी कोई चीज यहाँ से गई है? एक गल्ला और है, मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को, कौन सा है? अच्छा, ये वाला जो है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है दान पात्र, और ये दान पात्र को जो है थोड़ा सा यहाँ से क्रेक करके इसको तोड़ करके यहाँ से निकाल दिया गया है पैसा। आप इधर से दिखा दीजिए इसको, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है, ये पूरा तोड़ करके निकाल दिया गया है, और ये टूटने के बाद में यहाँ से हाथ डाल करके लॉक वॉक सब टूट गया है, और यहाँ से जो दान पात्र के जो पैसे हैं, जूम करके अंदर दिखाओ, हाँ बस, ये है चांदी का छत्र, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो चांदी का छत्र लगा हुआ था, ये भी छत्र गायब है, और यहाँ से चोरी कर ली गई है, और माँ दुर्गा जी का पूरे भारतवर्ष के अंदर में, क्या ऑल वर्ल्ड के अंदर में मनाया जाता है, और ऐसे समय के अंदर में चोरी हो जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा वाली बात है कि ऐसे मौके पर चोरियां हो रही हैं। ये आप लोग देख सकते हैं छत की कम से कम हाइट जो होगी वो कम से कम अगर मैं 5 का हूं तो 20 फुट के करीब में होगी, 20 फुट होगी, 20 फुट के करीब में है, और 20 फुट इसके ऊपर से चढ़ करके इन लोगों ने वहां से कलश जो है वो भी निकाल लिया है। और इतनी ज्यादा चोरियां, इतनी ज्यादा लगातार क्राइम दिल्ली के अंदर में बढ़ रहे हैं, क्या राय है आपकी, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। किस लगातार यहाँ पर तीनों शिफ्ट के अंदर में काम चलता है, तीनों शिफ्ट के अंदर में जो है यहाँ पे गार्ड अपनी ड्यूटी देते हैं, और गार्ड ड्यूटी देते हैं लेकिन रात के समय पे जो है वो कम से कम 2:30 से 3 बजे के करीब में जो श्री राम मंदिर के नाम से इस सोसाइटी का जो मंदिर है वहाँ पर चोरी हो जाती है। और जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय किसकी ड्यूटी थी और कौन यहाँ पे गार्ड था, और उनको पता चला या नहीं चला, और क्या किस तरीके से इन लोगों को पता चला, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? नाम शिवजी सिंह। क्या नाम है? शिवजी सिंह जी। शिवजी सिंह जी, सबसे पहले आप ये बताओ कि जो रात की, जिसकी 16 तारीख की रात को जो ड्यूटी थी वो किसकी थी ड्यूटी? पीएन झा। पीएन झा का?
पीएन झा की ड्यूटी है, तो आपको किस तरीके से पता लगा यहाँ पे सुबह रे क्या? सुबह में आने के बाद में पता लगा कि गार्ड बताए कि इस मंदिर में चोरी हो गई, मंदिर में चोरी हो गई है। तो मंदिर में जिस तरीके से यहाँ पे लगातार यहाँ पे चोरी हो रही है, तो आप लोगों को जो गार्ड यहाँ पे थे उनको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कितनी देर में आप लोग यहाँ पे चक्कर लगाते हैं रात में? रात में 45 मिनट पर चक्कर लगाते हैं। 45 मिनट में जब चक्कर लगता है और कम से कम एक घंटे की डेढ़ घंटे की वारदात मंदिर में होती है, क्या आप लोगों को पता नहीं लगा? मंदिर में जो घटना होती है 45 से कम से कम एक घंटे की ये वारदात होती है अंदर, तब भी आप लोगों को कुछ नहीं पता लगा? कुछ नहीं पता लगा। तो क्या गार्ड जो है वो सो रहे होते हैं या जाग रहे होते हैं उस समय? आप थे नहीं, लेकिन गार्ड क्या सो रहे होते हैं रात के समय या जाग रहे होते हैं? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। जाग रहे होते हैं। तो उनको जब पौन घंटे में जब वो लोग पहुंचते हैं और डेढ़ से डेढ़ घंटे की कम से कम एक घंटे की वारदात होती है, लेकिन फिर भी इस बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है कि मंदिर के अंदर दरवाजा उसका जो लॉक है वो तोड़ दिया जाता है। मंदिर के दरवाजे का जो लॉक है वो टूटा होता है, मंदिर का दरवाजा खुला होता है और चोरी हो जाती है, फिर भी गार्ड को पता नहीं चलता, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है बताओ? तो हम तो रात में नहीं थे कि हम आप रात में नहीं थे, लेकिन आपके साथ में जो गार्ड है उनको तो जानते हो गए आप? हाँ, उनको जानते हैं। जानते हो ना? हाँ। तो क्या मैं वही चीज आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा हुआ कि आप लोग क्या सो रहे थे उस समय या जाग रहे थे वो गार्ड? मैं यही चीज तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कभी ना कभी तो रात की ड्यूटी आपकी भी होती होगी। दिन में ड्यूटी करते हो? रात में कहीं पे भी ड्यूटी नहीं करी आपने? और जो रात में ड्यूटी करते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा कि ये लोग जो है वो उस तरीके से बात नहीं बता पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन प्रशासन को जो है इस समय यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। सेक्टर 13 के अंदर में, रोहिणी के अंदर में लगातार चोरी की वारदात जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी यहाँ पे हुआ है, आज से कम से कम 15 से 16 मंदिर जो है वो यहाँ पर चोरी हो चुका है। गार्ड पौन घंटे के अंदर में यहाँ पर एक राउंड अंदर पूरे मंदिर का लगाते हैं और इस अपार्टमेंट का लगाते हैं, लेकिन उनको फिर भी पता नहीं चलता कि हम यहाँ पे चोरी हो रही है। मंदिर का दरवाजा खुला होता है और अंदर चोरी हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को पता नहीं चलता। सवालिया निशान है प्रशासन को भी, और प्रशासन की जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है इनके ऊपर में भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। एक हमारे साथ में एक और सिक्योरिटी गार्ड है, जरा मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है इस मंदिर के अंदर चोरी हुई है अंदर? जी, हम तो सात वाले सोसाइटी का क्या नाम है? सूर्या अपार्टमेंट में जब मंदिर की चोरी हुई, आप लोग भी तो साथ में पास में ही है, तो आप लोग भी घूमते हो गए? जी, मैं तो ग्राउंड पे ही रहता हूं। ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा जिसकी वजह से यहाँ पे? नहीं सर, हमारी दिन की शिफ्ट में है। कहीं ना कहीं जो है अब हम लोग रात के समय में जब चोरी हो रही है उस समय तो आकर के हम लोग वीडियो बना नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं गार्ड को यहाँ पर अब सतर्क रहना पड़ेगा। लगातार 15 से 16 चोरियां हो चुकी है, क्या राय है आपकी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और इस तरीके की वारदात पे आप लोग सतर्क रहें, अपने आप को आप लोग सुरक्षा दें, अपने आप की आप लोग रक्षा कर सकें। इसी के लिए हमारी वीडियो जो जागरूक करने के लिए है। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारा ये प्रयास?